चलिए बात करते हैं उन्नत झारखंड की। मुख्यमंत्री रघुवर दास की कोशिशों का नतीजा है कि झारखंड के 11 जिले ओडीएफ घोषित हो गए हैं और बाकी बचे जिलों में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की है और 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराया। स्वच्छता अभियान में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि 24 में से 11 जिले ओडीएफ घोषित हो गए हैं और बाकी बचे जिले भी ओडीएफ होने की राह पर हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ झारखंड बनाने के अभियान में सब जुटे हैं। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से स्वच्छता सर्वेक्षण का काम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान कुल 100 अंक का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी रखी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की कोशिश है कि स्वच्छता के मामले में झारखंड अव्वल राज्य बने। हर हाल में हमें 2 अक्टूबर 2018 महात्मा गांधी के कदमों में स्वच्छ झारखंड देना। 2 मुख्य रूप से कार्यक्रम आज हम लोग प्रारंभ करें। 1 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होने जा रहा है 1 अगस्त से 31 अगस्त। ये भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में ये सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें एक बाहर से टीम आके गांवों का भ्रमण करेगी और गांव में कई बिंदुओं पर, कई पहलुओं पर वो सर्वेक्षण करेगी। इस अभियान में आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है और इसका दायित्व सभी पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। स्वच्छता अभी जो है लगभग जिस पिछले साल 2 साल से जो हम लोग देख रहे हैं और पहले का जो स्थिति था उसमें काफी बदलाव दिखता है, लोगों को मानसिकता में बदलाव है। हमारे गांव में जितने भी कूड़ा कचरा होते थे उसको कैसे हम लोग उपयोग में लाए और उससे बिजली कैसे उत्पन्न होगी, इसके बारे में गोवर्धन योजना विशेष रूप से फायदेमंद। रघुवर सरकार की कोशिशों से स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ झारखंड का सपना तभी साकार होगा जब इसमें आम लोगों की भागीदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।